ये प्रमाण है कि दोस्ती का कोई भी रूप नहीं होता है, ये हमें किसी भी रूप में नजर आ सकती है। नमस्कार, मैं रूपा और आप देख रहे हैं द एचपी न्यूज। आज हम आपको दोस्ती का ऐसा दृश्य दिखाएंगे जो अद्भुत, अविश्वसनीय और अकाल्पनिक है। जी हाँ, कटिहार के प्राणपुर पंचायत के पकड़िया गाँव में कुत्ते और बंदर की एक ऐसी ही दोस्ती का नजारा देखा गया है जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए देखते हैं। कटिहार में दो अजब दोस्तों की गजब दोस्ती देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। प्राणपुर धारण पंचायत के पकड़िया गांव में एक कुत्ता और बंदर की दोस्ती इन दिनों पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीण इस अनोखी दोस्ती को जय बिरू का नाम दे रहे हैं। इसके कसीदे पर रहे वही सामाजिक बुद्धिजीवी लोग इसमें समाज के लिए एक संदेश छिपे हुए रहने के रूप में भी देखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एवं पशु प्रेमी अमित वर्मा कहते हैं कि अक्सर हम इंसान ज्ञान बुद्धि और विवेक रहते हुए भी जाति धर्म और अन्य विषय पर लड़ते रहते हैं, लेकिन इन जानवरों से भी सीखना चाहिए। जब यह एक साथ इस तरह से दोस्त बनकर रह सकते हैं तो इंसान सिर्फ इंसानियत के धर्म के सहारे क्यों नहीं एक साथ रह सकते हैं। इसीलिए इस दोस्ती से हम इंसानों को भी सबक लेना चाहिए। कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट। किस तरह से देखते हैं आप लोग पशु? देखिए, ये तो बहुत ही एक अच्छा संदेश है कि एक कुत्ता और एक बंदर में आपस में इतनी प्रेम है। ये इसको देख के हम इंसानों को सोचना चाहिए कि जब दो तरह के जानवर आपस में इस तरह से मिलजुल के आज इस कलयुग के समय में भी रह रहे हैं, तो हम इंसानों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग एक नस्ल के होके, इंसान होकर हम लोग एक दूसरे से कितने बैर से रहते हैं। तो ये एक समाज में ये एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि हम इंसानों को भी इसी तरह से मिल के रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम जो आज अलग अलग धर्म में, अलग जाति में बटे हुए हैं, ये इस सब से ऊपर उठ के हम लोगों को इंसानियत के धर्म पे जीना चाहिए। तो आपने देखा कि कुत्ते और बंदर की दोस्ती किस प्रकार चर्चा में बनी हुई है। इस तरीके की तमाम खबर को देखने के लिए बने रहे HD न्यूज के साथ।